तथा बड़ भाग से पाते कई गर्पा गए संयोग से तो संगति मिलती नहीं सतसंग जिनका मिल गया तो जन्म का साफल्य है सतसंग जिनका मिल गया तो जन्म का साफल्य है अधिकार उनका क्या कहूँ वह शहंशाह के तुल्य है बोलो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की जय हो कर्मयोगी गाड़गे बाबा की जय हो पंढरीनाथ महाराज की जय अवघ्या देवाईचे नाव घेत जर बसलो तर 2 घंटे 10 कधी वाजतील याची गॅरंटी नाही म्हणून तुकडोजी महाराजानं सर्वात मोठं महत्वाचं काम केलं ये गाना आहे ना हर देश में तू हर भेष में तू तेरे नाम अनेक तू ये कही है हर देश में तू हर भेष में तू तेरे नाम अनेक तू ये कही है श्री रंग भूमि जा विश्वभरा सागर से उठा बादल बन के बादल से फटा जल हो कर के सागर से उठा बादल बन के बादल से फटा जल हो कर के फिर नहर बना नदिया गहरी फिर नहर बना नदिया गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू ये तुकडोजी महाराजांनी आम्हाला भगवंताविषयी परमात्मा विषयी सरळ सरळ एका भजनामध्ये 33 कोटी देव टाकून दिले बाबा चीटी से भी अनु परमानु बना सब जीव जगत का रूप लिया चीटी से भी अनु परमानु बना सब जीव जगत का रूप लिया कई पर्वत रूक्ष विशाल बने कई पर्वत रूक्ष विशाल बने सौंदर्य तेरा की पूर्ण दया यह दिव्य दिखाया है जिसने वह है गुरुदेव की पूर्ण दया तू कड़या कहे कोई न और दिखा तू कड़या कहे कोई न और दिखा बस मैं हर तू सब ये कही है भाऊ ऋषी भाऊ चौधरी मित्र परिवार आज त्यांचा वाढदिवस आहे त्यानिमित्तानं आपण माय मावल्या
पुरुष मंडळी लहान लहान मुलं वाळं 15 मिनिटात हे एरिया फुल होऊन जाईन बाबू, एवढे लोक येतील. कारण मला निर्माण करणारे आपण परतवाळाच अग्रगण्य मंडळी आहे. माझ्या इथं कार्यक्रम भोकरे आमदार होते ना टाकीजवाले, त्या टाइमला मी त्या कारवर फिरलो होतो खांजेऱ्या डब्बे वाजवत. म्हणजे कमीत कमी 40-45 साल बीत गए, मैं यहाँ पे आ चुका. भोकरे साहब का प्रोग्राम था, अब मेरा प्रोग्राम तो सब नेता लोग लेते रहते, कभी गडकरी साहब लेते, तो कभी मैं राहुल गांधी के भी प्रोग्राम में रहता, कभी मैं बाला साहब आंबेडकर के भी प्रोग्राम में रहता, और कभी कांशीराम साहब के भी इधर रहता. वही अभी मैंने गाना सुना है ना, हर देश में तू हर भेष में तू. चौधरी भाऊ का परिवार पूरा सत्संग का है, भजन चालू रहता, कोई ढोलक बजाता, कोई खंजेरा बजाता, सिर्फ बजाता नहीं, हम तो अलानी कलाकार है, हमको क्लासिकल समझता ही नहीं. ये आदिवासी का बच्चा है, तबले बजाने वाला आदिवासी है, चेहरा देखते ही खेल में आ जाता कि अपनी पार्टी दिख रही. रोशन भाऊ, ये झक्कन का तो पता है ही तुमको, ये मेरा भाई है. हमने रामायण नहीं पढ़े होंगे, रामायण ही जिंदगी में उतराने की कोशिश की है. 52 साल से मेरा भाई मेरे साथ में है, 52 वर्षापासून गजानन भाऊ मा सोबत है. रावण हरला नसता प्रभु रामचंद्राला, का हरला मालूम है, भाऊ सोबत नव्हता. भाऊ होता रामा सोबत, म्हणून रावण हरला. सत्यपाल 52 वर्षात का जिंकला, मेरा भाई मेरे साथ में है. असे तुम्ही भाऊ भाऊ एकत्रित आले पाहिजे, टाळ्या वाजवा. आता आम्ही इथं किती जण एकत्रित आलो मालूम आहे, तो वार्ड नंबर 2 मध्ये बसून आहे सुनील भाऊ, माझा पुतण्या आहे, माझ्या शेती विभाग तो सांभाळते, आश्रमचं काम सुनील भाऊ सांभाळते. हा मा नातू आहे, पुरी खानदान आहे आमच्या संस्थेमध्ये, बाप अध्यक्ष माय उपाध्यक्ष, त्याच्या बायकोची बहीण सचिव, चिव 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 चिव, मावस भाऊ, चुलत भाऊ, साळ भाऊ, भाळखाऊ नाही आमच्यात कोणी. हे जे आम्ही आहे ना आमचा संच, हे भजन एकट्याच नाही, जसं मला ऋषी भाऊच्या वडिलानं कल्पना दिली, हम सब खंजेरिया बजाते बोले. अब मैं खंजेरी क्यों नहीं बजा रहा हूं मालूम है, मैं फ्रैक्चर हूं. 25 दिन हो गए फ्रैक्चर का, मैंने आज ही नहीं बांधा, वो अच्छा नहीं दिखता वो बांधा हुआ, मैंने आज ही छोड़ा. मैंने ऋषि भाऊ से बात कर रहा था कि देखो मेरा फ्रैक्चर है, महाराज तुम्हारी वाणी सत्यपाल की सत्यवाणी होना बोले, सत्यवाणी होना. क्यों तो ये प्रोग्राम ऋषि भाऊ के बर्थडे पर तो है, लेकिन समाज का काम करने वाले एक अच्छे आदमी का कार्यक्रम है. अभी आदमी का मिल रहे बताओ भला, 140 कोटी पैदा हो गए, लेकिन आदमी का है, आदमी नहीं. अच्छा जो आदमी होना, गाड़गे बाबा, तुकड़ोजी महाराज, शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, आदमी नहीं मिल रहे. और ऋषि बहु के सरे का 24 साल का बच्चा है, जो समाज की सेवा कर रहे, बच्ची बहु के माध्यम से कोई भी काम हो, कोरोना ग्रस्त लोग हो, उनको को ऑपरेशन किया, यानी हर संकट में लोगों के साथ ऋषि भाऊ है, नाम से जुड़ा हुआ है.
नाही जो आजकाल ऐसा ऋषी आता नाही ना अलग नाते आते प्रेम अभी के नाम जरा अलग है पुराने जमाने के अलग नाम थे गंगाधर अने गंगा को पकड़ ऐसा नहीं है उसका अपन गलत पे अभी मत करना वो गंगा लीलाधर यानी लीला को पकड़ ऐसा है क्या नहीं 354 कर ऐसा नहीं है वो नाम के माध्यम से क्यों चला ऋषि भाई का नाम उनके पिताजी ने ऋषि क्यों रखा कि ये साधु संत के विचार का हो इसके माध्यम से सेवा बनी भी रहे उस दिन अब इसका नाम गजानन है ये गुरुवार को पैदा हुआ तुझे गजानन तुझे साई तुझे गजानन तुझे साई जो रोड पर खड़े लोग हैं उन्होंने सामने आने का कष्ट कर ऐसा नाम से कॉन्टेक्ट है मैं ऋषि भाऊ का सत्कार बाद में करूंगा आज शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक दिन है सबसे बड़ा महत्व का दिन है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन उसमें आज ऋषि भाऊ का बर्थडे और तीसरा बर्थडे है बच्चू भाऊ के पार्टनर मेड़घाट राजकुमार पटले उनो का भी बर्थडे है यानी आज बड़ा मौका है मैं ऋषि भाऊ को लाख लाख धन्यवाद देता हूं अभी 15 दिन के बाद एम्बुलेंस का रुग्णवाहिका का उद्घाटन होने जा रहा है ऐसा ये सभी प्रोग्राम क्यों तो मंदिर से भी ज्यादा रुग्णवाहिका की जरूरत है